हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, मोड। मीम के सारे मेथड्स हो चुके हैं, अब हम मोड को डिस्कस करते हैं। मोड क्या होता है, थोड़ा सा 9th क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं, अपनी पिछली क्लास को। मोड का मतलब होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम रिपीटेशन है। जैसे कि मैं एक क्लास में बात करता हूँ, मैथमेटिक्स का एक एग्जाम हुआ, 10 में से मार्क्स थे और स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो किस तरीके से आए हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स, 0, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 2, 2, 10, इस तरीके से नंबर आए हैं। तो इसमें देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। तो देखिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा लाई कर रहे हैं 1, 2 ज्यादा, सबसे ज्यादा आ रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। और कौन रिपीट है, 4, 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 2 टाइम्स है। और 3 देखिए, 1, 2, 3 टाइम्स, 3 जो है 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसकी है, 2 की, क्लियर है। तो मोड क्या हो जाएगा इस केस में, हमारा 2 हो जाएगा, क्लियर। जब ये अनग्रुप्ड डाटा हो, इस तरीके से सिंपल सा वैल्यूज कुछ सब्जोल्यूशन दे रखा हो, उसमें मोड आपको पूछा हो। लेकिन जब ग्रुप्ड डाटा हो, ठीक है, उस केस में हम मोड कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हम डिस्कस करते हैं। ये तो हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा 10th क्लास में जो है उसकी बात करते हैं। उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूले, जब हमें CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उस केस में मोड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहां पर आपका वेयर एल जो होता है आपका एल, ये होती है लोअर लिमिट लिमिट ऑफ मोड क्लास इंटरवल मोड CI। अब मोड CI क्या होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, पहले इनकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। F1 जो होता है हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास इंटरवल मोड CI क्लास इंटरवल। F0 जो होता है हमारा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड CI मोड क्लास इंटरवल। और F2 जो होता है वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड CI क्लास इंटरवल। और लास्ट में जो हमारा बच रहा है H, H होता है वो क्लास इंटरवल होता है क्लास इंटरवल CI जो हम फिक्स, ये रहती है कि कॉन्स्टेंट क्लास इंटरवल होना चाहिए, क्लियर है। अब दोस्तों F1 मोड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी, F0 प्रीसीडिंग का मतलब मोड क्लास इंटरवल जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हमारा मोड क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, बाय द वे यहां हो जाता है ये मोड क्लास इंटरवल हो गया, तो ये F1 हो गया, तो इससे जस्ट पीछे वाला F0 और इससे आगे वाला F2, ये प्रीसीडिंग हो गया पहले वाला और ये सक्सीडिंग जस्ट बाद वाला होगा, क्लियर। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बड़े डिटेल में अच्छे से इसको समझ लेते हैं, क्लियर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं, दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है आपको कि F5 में जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही हमारी मोड क्लास इंटरवल कहलाएगी। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी रिपीटेशन, 18 सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मोड क्लास इंटरवल कौन होगा, ये पूरा, ये बन गया हमारा मोड क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला यहां साइड में हम लिख लेते हैं, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू एच। अब जो जो है इसके अंदर कंपोनेंट यहां पर, उसको हम साइड में पहले लिख लें। सबसे पहले मोड क्लास इंटरवल हमें मिल गया है, इसको हम F1 लिख देते हैं, उसके ऊपर F0, उसके नीचे
F2, क्लियर। ठीक है, यहाँ साइड में सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं, L, F1, F2, F0 और H। L हमारी जो होती है मोड क्लास ड्राइवर की लोअर लिमिट होती है, तो ये लोअर लिमिट हमारी क्या है, 4000। तो यहाँ आ गया आपका 4000, क्लियर। फिर F1 मोड क्लास ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी दैट इज 18, F2 9 और F0 मोड क्लास इंटरवल से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी 4। H क्लास इंटरवल कितने का है देख लीजिए, 3000। तो 4000 के बीच में डिफरेंस 1000, सब में 1000 का डिफरेंस। H हमेशा इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, ये इमेज करके चलेंगे, इमेजिनेशन होना चाहिए। तो H हमारा 1000। अब सारी कंपोनेंट्स जो भी हैं इसके, इनको हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो L आ गया हमारा 4000 प्लस F1 इज 18 माइनस F0 है हमारा 4 अपॉन 2 इंटू F1 18 माइनस F0 माइनस F2 है 9 इंटू H है आपका 1000। ठीक है, क्लियर। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, 4000 प्लस 18 माइनस 4 14 अपॉन 18 इंटू 2 36 माइनस, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, जोड़िए इसको, ऐड कीजिए 9 प्लस 4 13, ठीक है, इंटू 1000। 4000 प्लस 14 माइनस कीजिए, 6 में से 3 लेस कीजिए, 3 में से 2 लेस कीजिए, सॉरी 1 लेस कीजिए, तो 2 इंटू 1000। अब 1000 को कट नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है 23 से, तो आप इससे 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000 इंटू 14 इंटू 1000, 30 बढ़ जाएंगे इससे 23। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अब नॉर्मल डिवीजन का काम है, हम डिवाइड करना, यहाँ साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 14000 डिवाइड बाय 23, ठीक है, देखते हैं कितने टाइम्स जा रहा है। 6 टाइम्स ट्राई करता हूँ मैं, 18 12 13 38 आ गया, यही जाएगा। 7 टाइम्स ट्राई करेंगे, 161 हो जाएगा जो कि गलत है, तो 138, 10 में से 8 गया 2, इधर 3, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ से एक नोट डाउन कर लीजिए, 0, देखिए फिर भी ये छोटा है, जब छोटा होता है ये डिजिट इससे और यहाँ कोई डिजिट बच जाती है, उस केस में हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं और ऊपर वाली जो भी डिजिट है उसको नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 200 है, 23 से डिवाइड करें, हम ट्राई करते हैं, एक टाइम ट्राई करें, एक सीजा 24 बाई 2, 8 टूजा 16, 2 17 18, ये आ गया आपका। 9 से अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ट्राई करते हैं, 1 4 8 कितना आया, 10 में से इधर से कैरी लिया, 10 4 गया 6, 9 में से 8 लेस कीजिए, 1 और 1 कैंसिल, 16 आ गया, छोटा है यहाँ कोई डिजिट भी नहीं बची है, उस केस में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक जीरो बढ़ जाएगा पॉइंट की वजह से। चलिए अब अगेन डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि 6 टाइम्स हमने किया था 138 आया था, 7 टाइम्स अगर हम इसको करते हैं तो 1 a/2 161 आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ही करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम भी कर चुके हैं, 6 टाइम कीजिए, तो 138 आया, 10 में से 8 गया 2, इतना कितना बचेगा आपका, 5 में से 3 गया अगेन 2, कैंसिल, अब नहीं जा रहा है, वापस पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट और लगा दी, 0 लगा दीजिए इस पॉइंट पे, जैसे 220 आ गया, ट्राई करते हैं, 9 टाइम्स ट्राई करते हैं, 9 थ्री जा 27 कैरी बाय 2, 9 टू जा 18 प्लस 2 20, 207 आ गया, 9 207, बस यहीं तक कीजिए, कोशिश कीजिए वन डिजिट या टू डिजिट पॉइंट्स के बाद तो कोई ले सकते हैं। तो आ गया आपका 608.69।
4000 प्लस। अब इसमें प्लस कीजिए, पॉइंट्स का प्लस और माइनस आप जानते हैं, पॉइंट के बाद वाली चीज पॉइंट के बाद लिखेंगे, पहले वाली पहले 0.8.69। ये नहीं कि आप इधर प्लस कर दीजिए, ये स्पेशली आपको ख्याल रखना है 96.806 और 4, तो ये आ गया हमारा 4608.69। ये हमारा मोड हो गया यहाँ, क्लियर। तो मोड आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।